हेलो स्टूडेंट, ये स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी है 10.5 जिसमें यूज किया जाएगा इस थ्योरम का सबसे ज्यादा बार, ठीक है। 10.8 यानी कि 10 चैप्टर की 8 नंबर की जो आपके पास थ्योरम है उसका यूज किया जाएगा। द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस पे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिए थे, लेकिन कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर आप इस थ्योरम को एक बार बता दीजिए कि वो प्रूविंग कैसे है। दैट्स व्हाई मैं आपको ये प्रूविंग बताने जा रहा हूं। ये आपके पास कोई सर्कल मान लीजिए, इस पे कोई तीन पॉइंट मान लीजिए ए, यहां मान लीजिए ये आपका सेंटर मान लीजिए ए पी क्यू मान लीजिए, अब ये ओ मान लीजिए, इसका ये सेंटर हुआ आपका ओ। क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें देखिए जरा ध्यान से कि इसमें हमें प्रूविंग क्या करनी थी। तो हमें जो टू प्रूव करना था, पहले तो ये देखिए गिवन क्या है आपके पास। तो गिवन है आपके पास पी क्यू एज ए, क्या है पी क्यू, पी क्यू इज एन आर्क, पी क्यू आपके पास आर्क है एंड सेंटर ओ, सेंटर इसका आपके पास ओ है। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको कि जो आपके पास ये वाला एंगल होगा ये डबल होगा सरफेस पर बने एंगल का। क्लियर स्टूडेंट? पी ओ क्यू एंगल, पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू। क्लियर स्टूडेंट? लुक ऑन बोर्ड, पी ओ क्यू की जो वैल्यू होगी वो इस वाले एंगल की डबल होगी। इट मींस अब आपको करना क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि हम कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने किया, ठीक है, कि ए ओ को ज्वाइन किया फाइन, और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास ए बी तक आपके पास ये एक्सटेंड होकर के आ गया। क्लियर स्टूडेंट? ये बी तक एक्सटेंड होकर के आ गया। तो इसमें कुछ चीजें देखो, ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी, वो प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे अलग से बता देता हूं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास ए बी सी कोई ट्रायंगल आपके पास दे रखा है, ये आपके पास बी हो गया, कुछ नेमिंग दे दिया, मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जो एक्सटीरियर एंगल, ये वाला जो एक्सटीरियर होगा, दो जो अपोजिट एंगल हैं इंटीरियर उनके सम के इक्वल आएगा। इट मींस जेड की जो वैल्यू होगी वो एक्स प्लस वाई के बराबर होगी। इसके इंग्लिश में किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कहां यूज किया जाएगा, यहां पर नाम दे दीजिए इनका कुछ भी। ये मान लीजिए वन है, ये टू है, ठीक है, ये मान लीजिए थ्री है, ये मान लीजिए फोर है, ये मान लीजिए फाइव है, ये मान लीजिए आपके पास सिक्स है। क्लियर स्टूडेंट? आसान हो जाएगा आपको करना क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो एंगल आपके पास फाइव होगा, पहले कंस्ट्रक्शन हमने किया कि जॉइन किया आपने, जॉइन ए ओ एंड इंक्रीज कर लीजिए या फिर नो नीड, इसको कोई जरूरत नहीं है, ए ओ को जॉइन कर लिया एंड ओ टू बी एक्सटेंड कर दीजिए आप, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सटेंड ओ टू बी, ओ टू बी तक उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से यहां पर, तो जो आपके पास एंगल 5 होगा, प्रूफ पे आ जाते हैं, जो एंगल 5 होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से काम चल जाएगा। क्लियर? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आउटर वाला एंगल होगा, जो अपोजिट दो एंगल है उनके सम के बराबर आपके पास होगा। क्लियर? ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक, और अगर नहीं भी मानते तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे एंगल वन और टू की हम बात करेंगे, तो एंगल वन जो होगा वो आपके पास टू के बराबर होगा। होगा कैसे वो देखिए, आपको पता है कि ओ ए जो है वो इक्वल टू किसके आपके पास, ओ क्यू के है, ओ ए जो है वो ओ क्यू के बराबर है। ये क्या है, रेडियाई, ठीक है, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर? अगर रेडियाई ऑफ सर्कल है, यानी कि दो साइड अगर इक्वल आपके पास होंगी,
तो उनके जो एंगल होंगे अपोजिट वो भी इक्वल होंगे, तो एंगल वन जो होगा वो इक्वल टू होगा एंगल टू के। ठीक है, इसमें कोई प्रॉपर्टी लग जाएगी स्टूडेंट, राइट? कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर आपके पास साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे स्टूडेंट, इक्वल होंगे। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉपर्टी आप लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, ये एंगल वन जो है वो टू के इक्वल है, तो इस वाली वैल्यू को उठा करके हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंगल फाइव की जो वैल्यू होगी, एंगल वन को ऐसे रखा और टू की जगह भी हमने वन को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया एंगल टू वन फाइव इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मान लीजिए आपके यहाँ सेकेंड वन। क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ, चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे इन ट्रायंगल ए क्यू ओ में, यहाँ पे भी लिखना चाहते तो आप लिख सकते थे इन ट्रायंगल ए क्यू ओ, ए क्यू ओ में, तो भी आपके पास काम चल जाएगा। फाइन स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी स्टूडेंट। क्लियर, कि जो बाहर वाले ये एक्सटीरियर एंगल है, तो जो अपोजिट इंटीरियर दो एंगल है उनके सम के बराबर होगा, राइट? तो देखना जरा, एंगल जो 6 होगा वो एंगल 3 वो प्लस एंगल 4 के सम के बराबर होगा। इसमें भी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर, ठीक है, एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसमें भी लगेगी। अब यहां पर देखिए ध्यान से भाई, OA इक्वल टू OP के है क्योंकि रेडियल है, इट मींस O P O A equal to O P, ये क्या है, radii of circle। Clear student? ये जब दोनों radii हैं, तो ये वाली side इस वाली side के equal होगी, it means ये वाली radius इस वाली radius के equal हो जाएगी, और ये आपकी already ये वाली इसके equal थी। Clear? तो हम जब इनका use करेंगे, तो it means angle जो आपके पास CD आएगा, वो angle 4 के equal हो जाएगा। Okay student? देखो ध्यान से भाई, OA इक्वल टू कितना है, OP के है। ओके स्टूडेंट, लुक ऑन बोर्ड, OA जो है वो OP के इक्वल है, यानी दो साइड इक्वल है, तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मींस एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा, क्योंकि अगर आपके साइड अपोजिट जो आपके पास है, ठीक है, वो इक्वल है, तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी आपके पास इक्वल ही होंगे, राइट? तो ये दोनों वैल्यू को उठा करके फिर यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। जब रिप्लेस करेंगे तो यहां पे आएगा एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3 को ऐसे रखा, एंगल 4 की जगह आप क्या रखेंगे 3, इस 4 की जगह ये 3 उठा करके हम यहां रख देंगे, तो ये आ गया एंगल 3, ये आया एंगल 6 इक्वल टू 2 एंगल 3, राइट? ये इक्वेशन मान लीजिए आपके पास थर्ड होगी। क्लियर, क्योंकि फर्स्ट आपके पास ये थी, सेकंड ये होगी, और आपके पास थर्ड ये होगी। अब देखो ध्यान से, ये जो 5 और 6 है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को ऐड करके तो पी ओ क्यू मिलेगा, राइट? तो अब आप क्या करेंगे, यस, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए जरा, 5 प्लस 6 इक्वल टू, यहां देखिए 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, ये आपके लिए बहुत आसान कर दिया है मैंने, वरना तो आप इसमें खोते रहते कि ओ ए ओ मतलब क्यों ए ओ बनाते, कहीं पे ओ ए पी लिखते, तो वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको नंबरिंग दे दी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो एंगल 5 और एंगल 6, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल ही तो आएगा स्टूडेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो देखिए जरा आपके पास, इसको लिख सकते हैं पी ओ क्यू इज इक्वल टू, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये 2 कॉमन है, 2 को बाहर ले लीजिए, यहाँ पे बचा एंगल 1 प्लस एंगल 3, और जो एंगल 1 और 3 है, देखो एंगल 1 और 3 को ऐड करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा पी ए क्यू आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू डबल आपके पास आ गया किसके एंगल, पी ए क्यू के, राइट स्टूडेंट? यही हमें रिक्वायर्ड प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एक बार थोड़ा सा क्विक रिविजन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, द एंगल सब्सटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्सटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इट मींस किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरफेस पे बने एंगल का डबल होगा। इट मींस
मैंने आपको ओरली कल मतलब एक वीडियो भी क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसमें सॉल्व करेंगे, मैं ऐसे ही आपको ओरली बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये आपके पास एक सर्कल है, ये आपका सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो सरफेस पे बने एंगल का क्या होगा स्टूडेंट, डबल। अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल दिया था, ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल मैंने आपको बताया था, तो उस वाली वीडियो में आप देखेंगे तो ये चीज मैंने आपको वहां पे बता दी थी, बट एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, केवल आपको ऐसे बता दिया था कि जो सेंटर पे बना एंगल होगा वो सरफेस पे बने एंगल का डबल होगा, राइट स्टूडेंट। ये पूरी की पूरी प्रूविंग है कि हाउ इज इट पॉसिबल, कि ये बनता कैसे और कैसे आपके पास जनरेट हुआ। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज यू ऑल हैव टू वॉच दिस वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।